उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने तहसील में धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन ने तहसील पर धरना देते हुए अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, उससे सबसे ज्यादा परेशान किसान है और किसान को सरकार अन्नदाता कहती है। आखिरकार किस तरह का प्यार सरकार किसानों पर जता रही है। भारतीय किसान यूनियन ने ज्ञापन में कहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में अचानक की गई वृद्धि 50 से लेकर 150 तक की वृद्धि से किसान और मजदूर की कमर टूट गई है। किसी भी वस्तु का रेट थोक मूल्य सूचकांक या महंगाई दर के आधार पर तय किया जाता है। किसानों की फसलों के मूल्य में महंगाई दर से भी कम वृद्धि की जाती है, जिसका उदाहरण हाल में ही गन्ना धान गेहूं में की गई वृद्धि है। बिजली की दरों में 50% वृद्धि से किसानों की लागत में भारी वृद्धि होगी। देश के अन्य राज्यों में किसानों को उत्तर प्रदेश से ज्यादा सस्ती और कुछ राज्यों में राज्य सरकार बिना बिल की बिजली उपलब्ध कराती है, जिससे किसानों पर अधिक भार ना पड़े। प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और किसानों पर कर्ज का भार बढ़ेगा। किसान यूनियन ने कहा है कि सरकार अपने दिए फरमान को वापस ले, नहीं तो किसान उग्र होगा। समूचे उत्तर प्रदेश में तहसीलों में धरना प्रदर्शन आंदोलन, जो सरकार ने वादा खिलाफी की है किसान के साथ में बिजली की बढ़ोतरी करके, इसका जब तक ये बिजली की दरें वापस नहीं होती तब तक भारतीय किसान यूनियन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर देगी, लगातार आंदोलन चलाएगी। सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि बिजली पानी किसानों को फ्री मिलेगी, 1 लाख तक किसान को कर्ज मिलेगा, माफ होगा और किसान की लागत का 50% लाभकारी जोड़ के मूल्य दिया जाएगा। सब वादा खिलाफी है। 10 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाने का मतलब किसान को कोई लाभ नहीं, मजदूर की मजदूरी बढ़ी है 10 रुपए, गन्ना छुलाई बढ़ी है 10 रुपए। तो हम ये कह रहे हैं सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसी सरकार ने जो वादा किया था अपना, पूरी तरह से कोई भी वादा पूरा नहीं करा। इसने कही थी पानी और बिजली दोनों फ्री देंगे, लेकिन फ्री की तो बात छोड़ो, आप इतने बेतहाशा वृद्धि कर दी है, 63% बढ़ाया है, जबकि किसान की आर्थिक स्थिति पहले से खराब थी, इन्होंने उसमें और ज्यादा इजाफा कर दिया। गन्ने का रेट बढ़ाया नहीं, 10 रुपए क्या है? अरे एक बात, चीनी 38 रुपए बिक रही है, 37 रुपए बिक रही है, किसान का रेट होना चाहिए कम से कम 400 रुपए। तो उसे समय देखते हुए उत्तर प्रदेश में पूरे में किसान आंदोलन रहता है, और जब तक ये वापस नहीं लेते किसान आंदोलन करता रहेगा और ना ही बिजली के बिल देगा। जब तक का इसे वापस नहीं लेंगे, नया बिल नहीं देगा, ऐसा वो आंदोलन जारी रहेगा और हमारे नेतृत्व का जब तक कोई भी आदेश नहीं होगा ये निरंतर आंदोलन चलते रहेगा। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।